सितारा कहाँ गई? वो देखी दीदी, वो आदमी, वो घोड़े पे लेके जा रहा सितारा को। लेकिन वो आदमी है कौन? वो सब छोड़ो, पहले जाके उसे रोकना होगा। किम शेषम पद्मनाभम चकंबलम। ज्यादा शक्तिशाली और ये था कौन जो इतने सारे जहरीले सांपों से और हमारे वार से बचकर निकल गया?
एक छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम तीनों? हमने पूरी कोशिश की थी। दिख रही है मुझे तुम लोगों की कोशिश। एक साधारण सा आदमी तुम लोगों की नाक के नीचे से सितारा को ले गया और तुम लोग देखते रहे। तुम तीनों से काबिल तो वो इंसान था। किस काम की मिशकन्या हो तुम तीनों? बोलना आसान है हरियाली, लेकिन अगर तुम वहां होती ना तो तुम भी कुछ नहीं कर पाती। कौन होगा वो इंसान जिसने सितारा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी? और कौन हो सकता हरियाली, जरा खुद सोचो। विराज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। विराज मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। चिट्ठी यहां किसने रखी? मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत करना क्योंकि नहीं जान पाओगे। इसलिए मुझे भूलकर सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मानने वाले हैं। वो तुम पर दोबारा वार जरूर करेंगे, तुम्हें और कमजोर बनाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारी जान इस तोते में डाल दी। अपने दुश्मनों के वार का तुम पर कोई असर नहीं होगा, मगर इस तोते को संभाल कर रखना। ये तोता कहाँ चला गया? अपना ख्याल रखो। आखिर ये कौन है जिसने मुझे बचाया? और कोई मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेगा? विराज ने सितारा को तो नहीं बचाया? विराज, मैं कब से नॉक कर रही थी? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? विराज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। अब भी सितारा के बारे में सोच रहे हो ना?
सितारा ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखे में रखा है, लेकिन उसके मुझ पर और मेरी फैमिली बहुत एहसान है। हर बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया है, और आज जब उसको हमारी जरूरत है तो क्या अपनी जान तुम सितारा के लिए जोखिम में डाल दोगे? मतलब? ओ प्लीज विराज, मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। क्या ड्रामा हरियाली? मैं बताऊं, विश्वकन्या ने दोबारा हमला किया सितारा पर। मैं जानता हूँ सितारा एक विश्वकन्या है और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर है मेरे दिल में। मेरा एक काम करोगी हरियाली? प्लीज सितारा को बचा लो। हमारा रिश्ता भले ही टूटा, लेकिन आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज मेरी सितारा को बचा लो। मतलब विराज ने सितारा को नहीं बचाया? सितारा की जान अब खतरे में नहीं, वो सेफ है विराज। I knew it, Hariyali. मैं जानता हूं तुम सितारा के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगी। Thank you so much. लेकिन मैंने नहीं बचाया सितारा को। कोई नकाबपोश आदमी था जिसने अपनी जान जोखिम में डाल के उसकी जान बचाई। क्या? लेकिन किसने? I mean, कोई अपनी जान को खतरे में डाल के सितारा को क्यों बचाएगा? विराज की बातें बता रही है कि वो काम विराज का नहीं था। मतलब ये कोई नई मुसीबत है जिससे निपटाना होगा हमें। अरे वाह, कितना सुंदर तोता है ना सितारा। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं रानी माँ। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विराज? जी शायद वो कुंवर सा ही हो। कैसे भाभी, भाई के पास विश्वकन्याओं से लड़ने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर वो आपको कैसे बचा सकते हैं? और फिर उस आदमी ने आपकी जान निकालकर इस तोते में डाली है, पर ऐसा करने की भी भाई के पास शक्ति नहीं है। पद्मिनी शायद ठीक कह रही है, वो विराज नहीं हो सकते। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये लो पद्मिनी। ये राजगुरु के कक्ष में आप क्या ढूंढ रही है सितारा? कितनी धूल है इस पे, क्या ढूंढ क्या रही हैं आप? अभी बताती हूँ रानी माँ। भाभी ये वो बुक है क्या, ये ढूंढ रही थी क्या आप? नहीं पद्मिनी, नहीं। शक्ति ग्रंथ, अद्भुत शक्तियों के अखंड राज, ये देखिए रानी माँ। क्या है ये? शक्ति ग्रंथ, अद्भुत शक्तियों के अखंड राज, पर ये है क्या? ये देखे, हो सकता है कोरसा ने ये किताब पढ़ के शक्तियां हासिल की हो।
हरियाली, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तुम तो विराट से प्यार करती हो, तो वही सोचोगी ना जो तुम सोचना चाहती हो। सही और गलत में फर्क पता है मुझे, और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि विराज मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं हरियाली, हर आशिक यही कहता है। विराज का इस खेल से कोई लेना देना नहीं है, वरना मेरे जिक्र करने पर उसके चेहरे पर कोई शिकन तो आती। वो सब छोड़ो, हमें और बहुत से मौके मिलेंगे। वैसे भी सितारा अब एक विश्वकन्या नहीं है, एक आम इंसान है, इसलिए उसे जान से मारना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। पहली बार हमला दिन के उजाले में किया था, लेकिन अब हमला रात के अंधेरे में होगा, चुपके से, ताकि उसे कोई आकर बचा ना पाए। और इस बार उस पे हमला मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले करूंगी। बड़े अफसोस की बात है सितारा, जिस बच्ची को जिंदगी दी आज उसी की जिंदगी लेने जा रहे हूं। पर मैं क्या करूं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पे। बड़ा दुख था मुझे कि बचपन में तुम्हें कभी लोरी गाकर सुला नहीं पाई, लेकिन आज इस जहरीले खंजर से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शकीले मौत की नींद की लौंगी में सितारा सितारा।